Assalamualaikum viewers, drama serial Hasad ki pichli kist mein aapne dekha ke Zareen kis tarah Naim Tara ko zaleel karti hai aur khud office mein phone karke Naim Tara ko ke hawale se ye kehti hai ki main iddat mein hu isliye main nahi aa sakti, aap ghar aa jaye. Jab wo aadmi ghar aata hai to Naim Tara hairan ho jati hai, wo kehti hai maine to kisi ko nahi bulaya. और उसकी वजह से ज़रीन सबके सामने नैन तारा को जलील करती है. नैन तारा सब घर वालों के सामने हल्फिया कहती है कि मेरा काशी से या किसी और शख्स से कोई वास्ता नहीं. नैन तारा को कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी सफाई भी देना पड़ती है. अगली एक साथ में आप देखेंगे कि काशी आकर नैन तारा के मुंह पर उसे झूठा बना देता है और सारा इल्जाम नैन तारा पर लगा देता है कि इसने ही मुझे बुलाया था. फरहान की माँ जो जरीन की बातों में पूरी तरह आ चुकी हैं, वो भी नैन तारा को बदकार समझने लगती हैं। वो जरीन की बातों में आकर नैन तारा को घर से निकालने लगती हैं, मगर नैन तारा उनके कदमों में गिर जाती है कि मुझे इस घर से ना निकाले, यहाँ मेरे अरमान की यादें हैं, वो मुझे नजर आता है. जरीन अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए कहती है कि जो औरत आहिस्ता आहिस्ता सुलगती रहती है वो राख बन जाती है. जरीन हसद की आग में बिल्कुल अंधी हो जाती है. उसे एक औरत की बेबसी और लाचारगी नजर नहीं आती. वो फरहान से कहती है कि नैन तारा आपको अपने बच्चे का हथियार बनाकर मुझसे छीन लेना चाहती है. फरहान जरीन को समझाता है कि अपने जहन का इलाज करवाओ, हर वक्त उल्टा सीधा सोचती रहती हो, मगर जरीन को किसी चीज का एहसास नहीं होता. नैन तारा की डिलीवरी के लिए फरहान ही लेकर जाता है और नैन तारा एक बच्चे को जन्म देती है और कमरे में बैठकर बहुत रोती है कि मेरा बच्चा अब किसे अपना बाबा कहेगा, कौन उसके सर पर हाथ रखेगा. आप ये भी देखेंगे कि नैन तारा का बहनोई भी फरहान और नैन तारा के बारे में गलत बातें करता है. फरहान गुस्से में उसे कहता है कि आप अपनी हद में रहें, मगर वो साफ तौर पर कहता है कि नैन तारा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन को तलाक ना हो तो इससे निकाह कर लो, वरना तुम्हारी बहन की बर्बादी तुम्हारी वजह से ही होगी. फरहान नैन तारा को इज्जत देने के लिए और उसके बच्चे को बाप का प्यार देने के लिए निकाह के लिए तैयार हो जाएगा और नैन तारा को अपनी बहन की खातिर निकाह करना पड़ेगा, मगर वो साफ तौर पर फरहान से ये भी कह देगी कि आपका मेरा सिर्फ नाम का रिश्ता होगा, लेकिन मैं अरमान की जगह किसी और को बिल्कुल नहीं दे सकती, ये निकाह सिर्फ और सिर्फ मजबूरी है. डियर व्यूअर्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट देकर जरूर करें. हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें. शुक्रिया.